बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे इवनिंग विद फरा के साथ मैं हूँ फरा मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जितने मैंने प्रोग्राम्स किए आपको बहुत पसंद आए, टॉपिक बहुत पसंद आया है, हमारे गेस्ट बहुत पसंद आए हैं, और इंशाल्लाह इस तरह आपका साथ रहेगा और आपको पसंद आते रहेंगे तो हम मज़ीद बहुत ही अच्छे और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। और ये जितनी भी काविश है, जितनी भी मेहनत है PWOA डिजिटल की तरफ से की गई है, जो जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं या पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, वो हमारे प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें और थोड़ा सा इंटरटेन हो सके। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप तक पहुँचाएँ। हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी मेरे साथ एक मेहमान है और बहुत अच्छा बोलती हैं, और उसका तारुफ मैं कराती चलूँ कि एक बहुत ही अच्छी होस्ट हैं, बहुत ही अच्छी उन्होंने होस्टिंग की है, मैं भी उनके प्रोग्राम्स में जाती रही हूँ। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो थोड़ा सा इस तरह से है कि आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा होगा, जो मेरे प्रोग्राम से देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये कहानी बिल्कुल मेरी ही है जो फरा हमसे बयान कर रही है। होस्ट ये बहुत ही अच्छी हैं, किसी ज़माने में इन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। जब वो घर से निकलती थी तो उनसे उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, लोग इनको इतना पसंद करते थे, उनके इतने सारे फ्रेंड्स होते थे। आज भी वो काम करती हैं, लेकिन अब उन्होंने काम क्यों ख़त्म किया और क्या वजूहत थी, हम उनसे सारी डिटेल्स पूछेंगे। और टॉपिक मेरा इस तरह से, एक आपका एक बहुत ही फेम आपका वक्त होता है, पीक आवर्स आपके होते हैं, पीक डेज आपके होते हैं, पीक ईयर्स आपके होते हैं, आप बहुत अच्छे लेवल पे एक काम कर रहे होते हैं और एकदम से आप किसी वजह से अपने काम को छोड़ देते हैं और फिर आप कहाँ मसरूफ हो जाते हैं, वो सारी कहानी हम उनसे सुनेंगे, और आप लोगों से दूर हो जाते हैं। लेकिन लोग जो होते हैं जिनके ऊपर ये वक्त आता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारा एक वक्त था जो लोग हमारे आगे पीछे घूमा करते थे, हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाया करता था, आज भी लोग हमें जानते हैं लेकिन वो वाली सिचुएशन नहीं है, तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और फिर अपने घर को भी डिस्टर्ब करते हैं, खुद की लाइफ भी ख़राब कर देते हैं। तो आज की जो मेरी मेहमान है, उन तमाम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि जो इस वक्त से, इस चीज़ से, इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ कितनी अच्छी तरीके से गुजार रही हैं, आज भी काम कर रही हैं लेकिन पहले से बहुत कम काम कर रही हैं, और किस अच्छे मकसद के लिए काम नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये आज का टॉपिक जो है बड़ा अच्छा है, तो आप इसे बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। टॉपिक तो हमारा चलता रहेगा, मेहमान जो है बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी, मैं उसका भी इंट्रोडक्शन आपके साथ कराऊंगी, लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसे स्पॉन्सर किया है मलका फूड्स ने, और मलका फूड्स का बहुत ही अच्छा कहना है, क्या कहना है मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, थोड़ा सा शेयर करती हूँ। मलका फूड्स एक ग्लोबल फूड्स कंपनी है जो पाकिस्तान और दुनिया भर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में अपने मुनफरिद जायके के मसाला जात की वजह से बहुत ही मशहूर है, क्योंकि इतने अच्छे मसाले हैं तो जाहिर बात है मशहूर तो होना ही है, आप लोग सब पसंद करते हैं। मलका फूड्स के मसालों में बहुत ही अच्छी बात है, जायका तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे सेहत का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि मलका फूड के तमाम मसाला जात में MSG और ग्लूटन शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, PWO डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हम ये शो कर रहे हैं और आपके लिए इंफॉर्मेटिव शो और बड़े एंटरटेनिंग शो में लेकर आती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट से आपको मिलाती हूँ। सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं? क्या है ख्याल मुझको, देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ।
हैं अपनी प्यारी सी मेहमान जो बहुत ही अच्छी होस्ट हैं, आज भी बात करती हैं तो दिलों पे राज करती हैं। तो मेरे साथ हैं अना साद। अस्सलाम वालेकुम अना, मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे प्रोग्राम पे। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया और इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन। तो मैं तो सोच रही थी कि शायद आज हमारी आधी बातें तो इंट्रोडक्शन में होगी, लेकिन आप खुद बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अना। अब जितने लोग आपको देख रहे होंगे कहे अना आगे, क्योंकि खुश होते हैं। मैं आपके साथ खुद पार्टीज में जाती हूँ, हम किसी इवेंट्स में जाते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, आप उन्हें नहीं पहचान रही होती, वीडियोस दिखा रहे होते हैं, देखिए अना हमने आपके शो में आपके साथ ये किया था, तो आप उनको देखती रहती है। अच्छा ये अना, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉर्निंग शो का स्टार्ट है चंद होस्ट ने स्टार्ट किया था, जो मॉर्निंग शो का ट्रेंड है जो कम होस्ट ने स्टार्ट किया था, इनमें से चंद एक नाम है जिसमें आपका नाम भी सर फहरिस्त है, क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने मॉर्निंग शो को जो प्रॉपर जो स्टार्ट किया और उसका जो कॉन्सेप्ट लेकर आई। तो आपके माइंड में ये कैसा, किस तरह से आया था कि मॉर्निंग शो होना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में जो है मॉर्निंग शो नहीं हुआ करता था, और आप वो वक्त भी बता दें कि कौन से ईयर में आपने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया था। बहुत शुक्रिया फरा। अच्छा सबसे पहली बात बताऊँ, जब आप इंट्रोडक्शन कर रही थी मैंने कहा मैं अभी फरा से पूछती हूँ कि किसी जमाने में, मैंने कहा मैं फरा से पूछती हूँ कौन सा जमाना, थोड़ा सा फील करने लगी थी कि शायद काफी टाइम हो चुका है। लेकिन ये बात करते हैं, आप मॉर्निंग शो की बात कर रही हैं, ये बाकी वो जमाना था जिस वक्त जब मैंने स्टार्ट लिया था। तो मेरा शो ऐसा शो था जिसमें हम प्लान करते थे कि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हम कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो इस खवातीन के लिए बहुत अच्छा हो, उनकी मालूमात में इजाफा हो, उन घर पर बैठ कर बहुत कुछ सीख सकें। तो हमारा तो ज़्यादातर फिर यही होता है कि खवातीन तो गॉसिप में चिट-चैट में, इसके साथ साथ अगर वो कपड़ों की बात करें, मेकअप की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा इसमें होता है। उस वक्त ये शो लेकर आए थे इस हवाले से कि उसमें ब्यूटिशियंस को हमें लेकर आए, उनको इंट्रोड्यूस करवाए, ब्यूटिशियंस काम कर रही हैं जो काम कर चुकी हैं, आपने जमाने की बात की तो हम तो एक महीने बाद भी कहते कि उस जमाने में, क्योंकि मैं तकरीबन 15 साल से मैं चैनल पे हूँ ना, आप मुझे जान, आप तो आपके साथ मैंने बहुत, जब आप होस्ट थी माशाल्लाह मैं गेस्ट आती थी आपके पास, तो मैं कहती हूँ यार मैं बहुत पुरानी हूँ, मैं मुझे बहुत टाइम हो गया। लोग बोलते कितना टाइम हो गया, 15 साल हो गए, क्योंकि हम जब मीडिया के लोग होते हैं हमें 2 साल भी बहुत लगते हैं। यार मैं तो सीनियर हूँ, मैंने 2 साल से काम किया, तो क्योंकि हमारा जो, क्योंकि वो जो वक्त था तब मॉर्निंग शो नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, जब आपने किया, अंबर खान ने किया, एक दो हमारी होस्ट हैं जिन्होंने स्टार्ट लिया था, और लोगों को लगता था सुबह सुबह कौन उठेगा, लेकिन आपने, अंबर खान ने लोगों को सुबह उठने की, खवातीन उठती तो थी, अपने बच्चों को स्कूल भेजा करती थी, इनके हस्बैंड जो काम पे जाया करते, लेकिन वो वक्त क्या करें वो, लेकिन आप अंबर खान ने, जी जी अंबर खान है, उन लोगों ने ये, और हम गेस्ट आते थे आपके शो में, मैं भी आती थी आपके शो में, एक कोने पे बैठी रहती थी, लेकिन आप बहुत रिस्पेक्ट देती थी। तो वो सारी चीजें जो आप मेकअप सुबह सुबह सिखा रही है, जो घर में बैठी औरतें हैं क्या करें, आपने मेकअप सिखाया, डिजाइनिंग सिखाई, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आपने उनको सिखाई, आप हैं अंबर खान है। मैं अंबर से जब भी मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने मॉर्निंग शो को इंट्रोड्यूस करवाया, मॉर्निंग शो था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन एक बात बताऊँ कि जिस वक्त हमने स्टार्ट किया था फरा, माशाल्लाह से जब आप गेस्ट आ गई थी और आपकी जितनी स्ट्रगल थी, आपने जितनी एफर्ट्स की हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह और कामयाबी थी, हम तो थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो गए, हमारा आज का टॉपिक ये है कि माशाल्लाह से अभी मैं मेट्रो चैनल पे गई, मैं जरूर जिक्र करूंगी किसी भी चैनल का कि मैं मेट्रो पे गई तो कई प्रोड्यूसर थे, मैंने आपका सिर्फ नाम लिया, अरे हाँ हमारे साथ बहुत काम किया है इन्होंने, ये मतलब आपको लोग आज भी याद करते हैं, क्योंकि आप, आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि आप माशाल्लाह एक इतना आपका वक्त था कि जब आप स्टूडियो में आती थी तो सब खड़े हो जाते थे, क्योंकि अब आप जाती नहीं है, अभी भी आप जाएंगी आपके नाम से लोग पहचानते हैं, ये मैं गवाह हूं इस बात की कि अनाज का नाम लिया जाए। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ एक बात में, यहाँ पे बताती चलूँ कि अभी कुछ अर्से पहले भी जब मेरा थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि मैं आजकल अब कराची में नहीं रह रही हूँ, तो मैं थोड़े दिनों के लिए आई थी, साथ भी काफी सारे शोज किए आपके साथ में, काफी सारे शोज में वहां पर आती रही, लेकिन ये हाँ,
मुझे बहुत खुशी होती है कि स्क्रीन से आउट होने के बाद भी माशाल्लाह लोगों ने काम को याद रखा है, याद रखा एग्जैक्टली. हमारी ये मेहनत है कि हमारा वो टैलेंट लोगों की नजर में काफी टैलेंट था, हमने काम किया था, तो उस वक्त याद भी रख रहे थे कि ये इस साल में काम करके जा चुकी है, उन्होंने कितना काम किया. तो मैं समझती हूँ कि हमारी कोशिशों से भी हुआ है और एक दूसरे के सीखने से भी हुआ. कुछ लोग ऐसे हैं मैं वहां पहुंची थी नहीं है, लेकिन कुछ के बाद फिर गायब हो जाते हैं और फिर याद भी नहीं रखा जाता. नहीं नहीं लव यू है ना हमेशा, क्योंकि आपने मेरा एक जमाने में बहुत साथ दिया. ऐसे दोस्त थे क्या जो आपको वक्त पे याद ना रखे, आप साथ दे. अच्छा अना आपसे जो आज का हमारा टॉपिक है, सवाल है कि मैंने आपके साथ बड़ा काम किया, फिर मैंने उस चैनल से मैं चली गई थी जिस चैनल पे आप बहुत टाइम रही, माशाल्लाह आपका बहुत नाम, कि लोग आपके फैंस जो मैंने खुद देखा, मैं खुद विटनेस हूँ कि बाहर मिलने आते थे और आप अपनी शूट पे मसरूफ होती थी, फिर आप अपने शूट के बाद उनसे मिलती थी, खवातीन आती थी बड़ी दूर दूर से आपके लिए आती थी, मैं गवाह हूँ इस बात की. फिर मैंने आपसे मैं थोड़ा सा मेरा जो कांटेक्ट वो खत्म हो चुका था क्योंकि मैं किसी और चैनल पे चली गई थी. फिर मैंने आपके फेसबुक पे देखा कि आपने जो है मीडिया छोड़ दिया. मैं उस समेत सारे जो फैंस थे वो परेशान हो गए, अन्ना को हमें देखने की आदत, डेली आना, हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे शोज लाना, एक क्यों चली गई, कहाँ चली गई आप, बिल्कुल चली गई. आपने सबको ऐलान करके बोल दिया कि मैं खुदाफिस कर रही हूँ, मैं अलविदा कर रही हूँ, मैं मीडिया छोड़ रही हूँ. वो क्या था, आप जिस लेवल पे थी, जहाँ थी, वो कोई छोड़ने का सोच भी नहीं सकता. कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सा ऐसा डिसीजन था जिसकी वजह से हम मीडिया छोड़ना. बिल्कुल ये वो एक मोहब्बत होती है. देखे मुझे अपने काम से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, ठीक है, और मैं करती भी रही हूँ माशाल्लाह. मैंने 11-12 साल इस मीडिया इंडस्ट्री में गुजारे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स में मैंने होस्टिंग की है. इसके साथ साथ मैं आपको बताती चल रही हूँ कि मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ, टेक्सटाइल डिजाइनर भी हूँ. इसके साथ मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च की है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. बता चुकी हूँ दीदी. मोहब्बत आ जाती है इस मोहब्बत के हवाले और वो हस्बैंड की मोहब्बत उनको दिखा के बाहर, तो उस मोहब्बत का फिर कुछ नहीं आता बिल्कुल. और मैं चाहती थी कि ठीक है अब मीडिया में भी काफी काम कर लिया तो मैं मुल्क से बाहर चली गई थी, इसलिए सबको अलविदा करके गई थी. और बाकी बहुत लोगों ने मुझे बहुत कहा था कि आप थोड़े से खुल जाए वापस आ जाइएगा. बहुत सारे ऐसे फैंस थे माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत करती थी. अच्छा अना आप माशाल्लाह से इतना अच्छा काम करती थी, एक एक बहुत ही फेमस होस्ट आप माशाल्लाह से, मैंने खुद देखा है कि आप जब रिकॉर्डिंग करवा रही होती थी, लाइव शो करवा रही होती, आपके फैंस जो हैं खवातीन वो बैठी होती थी स्टूडियो में. मैं खुद देख के उसी चैनल पे मैं एक और शो भी करती थी जब मैं तैयार हो रही होती थी, फिर आप अपना शो खत्म करके इतनी मोहब्बत से मिलती थी. लेकिन एक वक्त आया कि मैंने आपके स्टेटस आपके फेसबुक पे देखा, क्योंकि फिर मेरा आपसे मिलना मिलाना कम इसलिए हो गया था कि मैंने किसी और चैनल को ज्वाइन कर लिया था. फिर मैंने अचानक से स्टेटस देखा कि इतनी फेमस होस्ट जो डेली काम करने वाली बिजी होस्ट, क्योंकि आपके अलावा तो मैंने नहीं देखा था कोई इतना अच्छी होस्टिंग करता हो या काम करता हो. आपने अलविदा कह दिया आपने मीडिया को, टोटल आपने कह दिया, आपके फैंस जो थे वो बड़ा डिसहार्ट हुए और मैं भी परेशान हो गई है ना, को क्या हो गया, ऐसी कौन सी चीज थी, क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी, कौन से ऐसे रास्ते थे जो आपने मीडिया को और अपने इतना आपको जब फेम मिला और आपने सबको खत्म कर दिया, कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी वजह थी, वो डिस्कस करें आज आप हमारे साथ. वजह बिल्कुल याद आप खुद बता चुकी हैं कि हमने इतना सारा काम साथ किया और 11-12 साल पे वो होता है मोहित करता है कि अब मैं आपको बताऊं कि मोहब्बत तो मुझे अपने काम से भी थी, लेकिन एक और मोहब्बत थी जो सारी चीजों पे गालिब आ चुकी थी और मेरे हस्बैंड की मोहब्बत थी, क्योंकि वो बाहर थे मुल्क से बाहर. और जब जब ये मोहब्बत होती है तो जिसके आगे कुछ नजर नहीं आता, हस्बैंड के पास चली गई थी इस वजह से मुल्क छोड़ना पड़ा था. लेकिन आप सब लोग याद थे, अपने वो सारे फैंस भी याद थे जो मोहब्बत के साथ आते थे, मिलते थे, इतना इतनी रिस्पेक्ट देते थे, इतना एहतराम करते थे. और ये वो मोहब्बत थी जो बगैर देखे थी कि मैं उनसे कभी मिली नहीं थी, लेकिन वो रेगुलर कॉलर्स की सूरत में मेरे प्रोग्राम में शामिल रहते थे. और आपसे जब मुलाकात होती थी कि मेरा प्रोग्राम जैसे ही वाइंड अप होता था फिर आपका प्रोग्राम शुरू हो जाता था, मेकअप रूम में अक्सर हम बैठकर कुछ बातें कर लिया करते थे, दो चार बातें वहां पे भी हो जाती थी. लेकिन फरा ये देखें वो सारी चीजें यहाँ पर वो थी कि जो स्ट्रगल मेहनत
पर होती है। आपने भी मेहनत की है तो आज आप माशाल्लाह इस मुकाम पर हैं, और ये थोड़ी दो चार दिन की मेहनत नहीं है, ये बहुत सालों की मेहनत है। ये बहुत मुश्किल काम था, ये जो सारी चीजें फेस करनी होती हैं, आप अपनी मेहनत से किस तरह से आगे जाते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। लेकिन बस ये बात है कि वो आपका जो सवाल है वो यहीं पर घूम फिर क्या, हाँ मोहब्बत, और वहां जाने के बाद माशाल्लाह से कि वहां पर कुछ साल मुल्क से बाहर गुजारे वापस आ गई हूँ। अक्सर चली जाती हूँ चैनल्स पे, ऐसा गेस्ट भी होती हूँ, तीन चार शोज ईद वगैरह के कभी मैं कर लेती हूँ, रमजान ट्रांसमिशन में करती रही हूँ एक चैनल पे। जी, 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 तो बस इस दफा ही नहीं हो सका क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे कोरोना वगैरह और ये वायरस की वजह से कुछ ऐसा था, तो मैं रमजान ट्रांसमिशन नहीं कर सकी थी क्योंकि लोग अभी भी याद रखते हैं चैनल भी। बिल्कुल, इसमें यहाँ पर बताती चलूँ कि इस काम के साथ साथ वहां पर रहते हुए मैंने बिल्कुल ये टाइम ऐसे नहीं गुजारा कि मैं बस इस मीडिया से अगर हट गई हूँ तो मैं कुछ करूँ ही, क्योंकि मैंने और भी बहुत काम किया है, बहुत करती रही हूँ। जी मैं वहां पर अच्छा, बहुत सारे काम। जी फरा, अच्छा हाँ, मेरा यही सवाल था आपसे और हमारा टॉपिक भी ये है कि आपने एक बहुत पीक का अपना टाइम देखा, अभी भी आप माशाल्लाह आती रहती हैं, आपने सच टीवी पे होस्टिंग की, जी रमजान ट्रांसमिशन किया बहुत टाइम तक किया, बहुत सच अच्छा टीवी में चैनल्स का नाम ले सकती हूँ, चैनल्स का नाम ले सकती हूँ जहाँ जहाँ आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप ले सकती है। आपने बिल्कुल मेट्रो से मेट्रो पे मैंने बहुत काम किया है, मैं वाइब टीवी पे काम कर चुकी हूँ, उसके अलावा मैंने एक्सप्रेस टीवी पे प्रोग्राम्स किए हैं कुछ, और उसके साथ साथ एक दो टेलीफिल्म्स भी की थी मैं, लेकिन एक्टिंग में मेरा कुछ ज्यादा मूड नहीं बना तो फिर मैंने छोड़ दिया था, अपनी होस्टिंग की तरफ आ गई थी, और सच टीवी पर मैंने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। अच्छा आज का जैसे टॉपिक के हवाले से मैं बात करूंगी कि मैंने आप यही बताना था लोगों को, और आज जो प्रोग्राम देख रहे हैं अना भी होगी वहां पर, फरा भी होगी, सारे कैरेक्टर में लोग मौजूद होंगे जो प्रोग्राम होंगे। तो अच्छा बहुत से लोग जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं कि मैंने इतना काम किया, अब मैं घर में संभालूं, बच्चे संभालूं, अब तो मैं स्ट्रेस में आ गई तो मैं घर वालों को भी तंग करूं तो उसको भी तंग करूं। लेकिन अना से जब भी मैं मिली हूं, अना हमेशा हंसती मुस्कुराती, बल्कि अना को मैं कहती हूं अना यार तुम्हारे लिए ये प्रोग्राम, तुम कहती हो नहीं यार नहीं अभी मैं नहीं आ सकती, अभी मैं अपने घर पे हूं, अभी मैं कराची नहीं आ सकती, बड़े हंस हंस के कहती हैं, हंसती रहती हैं। तो उन लोगों के लिए जो स्ट्रेस में चले जाती है उनको बताएं ना आपका फॉर्मूला है क्या इतना खुश रहने का, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि अपनी सबसे फर्स्ट जो है प्रायोरिटी होती है आपकी अपनी फैमिली होती है कि मेरा घर नहीं मैं नहीं आ सकती, तो बताए ना ये खुशी का राज क्या है स्ट्रेस से निकल। सबसे पहले तो मैं आपको देखें, आपका सवाल इतना अच्छा है, मैं खुद भी चाह रही थी लेकिन आपने सवाल खुद पूछ लिया था। मैं सारे आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे इंसिस्ट नहीं किया कि मीडिया छोड़ दो या बस तुमने अब सिर्फ घरदारी देखनी है, ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैंने अब घर को टाइम देना है। और माशाल्लाह से मेरी दो बेटियां हैं और जो छोटी वाली है अब तो एक बड़ी है, दूसरी जो है उनको जरूरत होती है मेरी। हस्बैंड हाँ ये है कि वो चेहरा हंसता हुआ इसलिए मिलता है कि जहाँ हस्बैंड है वहां मैं हूँ, वो जहाँ कहीं और चले जाते ना मैं कि तो मैं भी वहीं आ जाऊंगी, मैं भी वहीं आ जाऊंगी। मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैंने कराची छोड़ा, मैंने मीडिया छोड़ा, ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी। और ये है कि इस ज्यादा खुशी की वजह ये है कि हस्बैंड ने कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, वो हाँ सपोर्ट जरूर करते हैं कि अगर तुम्हें कुछ क्रिएटिव काम कर रही होती हूँ तो वो उसमें साथ जरूर दे दे। अभी जो अभी आपके साथ इंटरव्यू करते हुए सारी चीजें सारा अरेंजमेंट वगैरह वो करने में सबसे आगे आगे थे, साथ हमेशा बहुत मोहब्बत देते हैं, एहतराम करते हैं, और इन चीजों की वजह से ना एक औरत मेरा ख्याल है कि खुश रहती है। आपका सवाल स्ट्रेस का था, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि मीडिया छोड़ने के बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि वो स्ट्रेस में चली जाती हैं कि हम तो इतने अरसे से चमकते हुए नजर आ रहे थे, हम तो एक स्क्रीन पे थे, लोग पूछते थे, और अब हम सब कुछ छोड़ के एक घर में बैठ जाएं, तो वो चीज मुझे लगता है कि जब आपकी पूरी दुनिया ही उस घर में मौजूद है तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है। बहुत खूबसूरत जवाब कि पूरी दुनिया जो है आपके घर में मौजूद है जी, आपके दिल और दिमाग को सुकून देने के लिए काफी है, बहुत ही खूबसूरत, मुझे यही उम्मीद थी कि आपका इतना प्यारा सा जवाब होगा। वैसे लोग तो अना को स्क्रीन पे देखते हैं चमकता हुआ सितारा, अभी भी काम करती रहती है, जब भी कराची आती है जरूर आपको किसी ना किसी चैनल पे नजर आती है, लेकिन जब ये अपने घर पे होती है तो बिल्कुल किसी को टाइम नहीं देती, कहती नहीं मैं नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने घर में मौजूद हूँ। फरा के लिए है टाइम, फरा के लिए है टाइम। बहुत शुक्रिया ना। अच्छा अना आपने आप बाहर रही, मुल्क से बाहर ही दुबई में रही, तो आपने अपने आप को किस तरह से मसरूफ रखा, क्योंकि आपने घर में रही, आपने बहुत सारे कोर्सेज किया, मुझसे डिस्कस करती रहती है
क्योंकि खवातीन जो है खूबसूरत बनना दिखना वो हमारा हक भी है और चाहती भी है, जितनी भी खूबसूरत है वो चाहती भी और ज्यादा खूबसूरत नजर आए, और ज्यादा खूबसूरत नजर आए। ब्यूटिशियन का आपने कोर्स भी किया तो बताए ना, कुछ टिप तो देना कि सीन खूबसूरत कैसे नजर आए, बाल कितने प्यारे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो मेरी मनपसंद बात कर दी। दुबई में जब मैं रह रही थी तो वहां पर मैं आपको बताऊं कि कुछ अरसा तो घर पे गुजारा था, लेकिन फिर उस वक्त ये था कि चलो कुछ काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग मसरूफ हम मीडिया से रह चुके हैं तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वो खवातीन जो स्ट्रेस में चली जाती हैं उनके लिए भी एक टिप है कि आप उस घर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना है या आप टीवी स्क्रीन के सामने आए। तो मैंने फरा वहां पर इस तरह से स्टार्ट किया था कि हस्बैंड तो मेरे चले जाते थे, वहां की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत बिजी लाइफ होती है। जब हस्बैंड कहाँ पे होते थे तो मैं सारा दिन घर में अकेली होती थी। उस पर मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे घर के कुछ करीब एक ब्यूटी सैलून था, मैंने कहा चलो यहाँ पे, क्योंकि हमारे मेकअप्स में और वहाँ मेकअप्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है, और स्क्रीन पर अक्सर जब मैं अपना मेकअप खुद करती थी तो मैंने कहा चलो कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो मैंने वहां ज्वाइन कर लिया था, वहां कुछ क्लासेस ली हैं। क्लासेस के साथ साथ आप जैसे लोग जब जिनके साथ बैठ बैठ के प्रोग्राम्स किए थे तो इतने सारे टिप्स जमा हो गए थे। तो मैं वो जो ईरानी खवातीन थी वहाँ, फिलिपिनोस थी वहां पे, जो लोकल अरब खवातीन थी, मैं वहां पर वो सारे टिप्स उनको देना शुरू हो गए। तो उसमें मैं बड़ी मशहूर हो गई थी। तो वो ये चीज है कि उन हर्ब्स की वजह से आप लोगों के एक साथ काम करके ये फायदा जरूर मिला कि वहां पर जब ये चीज हुई तो वहां पर जब खवातीन दूसरी आती थी तो अक्सर स्किन प्रॉब्लम के लिए इन चीजों के लिए फौरन को मुझसे कंसल्ट करवाया जाता था कि आप अना से मिल लीजिए, वो आपको इस इशू के बारे में बता देंगे या आपका जो मसला है वो बता देंगे। तो वहां पर मैंने ये काम स्टार्ट किया। अगर आप बात करिए, अगर आप मुझसे कोई टिप पूछना चाहती हैं तो बिल्कुल, आप तो खुद माशाल्लाह इतनी एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे जो नाज़रीन हैं देखने वाले उनके लिए जरूर कुछ बताना पसंद है। तो क्या पूछे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप अपना भी हर्बल प्रोडक्ट बनाती हैं, कोई आपकी ऐसी टीम हो आप इसका नाम ले सकती हैं? हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है, लोगों के भलाई के लिए हम PWOA से ये जो शो कर रहे हैं तो लोगों की भलाई के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए। तो आपकी अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है वो भी बता सकती है, मेंशन कर सकती है, कैसे खरीद सकते हैं आप वो भी बता सकते हैं। जी फरा, मेरी जो प्रोडक्ट है अना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम से मशहूर है, और उसमें मैंने बिल्कुल हर्बल सोप रखा है। वो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे हम लोग केमिकल यूज वगैरह इतना ज्यादा, हम अब जो भी चीजें लें, मॉइस्चराइजर लें, क्लिंजर लें, हम कह तो देते हैं कि आपको ये यूज करना चाहिए, लेकिन उनके अंदर भी केमिकल मौजूद है और हमें पता नहीं है कि वो कौन सी स्किन के लिए सूटेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। हम मार्केट में जाके देखते हैं कि प्राइस टैग इतना लगा हुआ है, इतनी अच्छी चीज होगी, जितनी ज्यादा महंगी चीज है तो वो उतना अच्छा रिजल्ट देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर्बल प्रोडक्ट्स आज हमारी प्रोडक्ट्स में दोबारा आ चुकी हैं, हमारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी हर्ब्स को दोबारा इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो उस पे जब मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, मैंने हर्ब्स पे काम किया, माशाल्लाह बहुत कुछ पढ़ के सीख के। हमारे साथ वहाँ पे एक ईरानी खातून होती थी तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो अब मेरी जो प्रोडक्ट है उसमें सोप भी शामिल है, क्लिंजर भी शामिल है, इसमें सीरम्स भी हैं कुछ, और वो मुझसे बिल्कुल, आप मेरे अना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम से मेरा फेसबुक पे पेज भी है, वहां पर मुझे ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं। अच्छा, फिर मैं वहां तक नहीं रुकी कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स तक रुक जाऊँ, मैं आगे भी घर जाती रही, वो तो आपको पता है कि मैंने और भी क्या क्या काम करती रही। जी, तो ये सिलसिला था, इस सिलसिले को मैं बढ़ाती हूँ। जी, अच्छा, अपने आप को मसरूफ रखने के लिए माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी, और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने वो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आपके पेज पे भी जो लोग देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं या फिर पाकिस्तान में या दुनिया भर में देख रहे हैं तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। बस अल्लाह करे ये हालात थोड़े से कोविड से हम निकल जाएं, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आपकी जो है वो सारी चीजें आप उनको पहुँचा सकती हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, मैंने देखा है ब्यूटिशियन है, तो आप अभी भावलपुर में बैठी हुई है, पाकिस्तान के शहर भावलपुर में बैठी हुई है। जो लोग आपको देख रहे हैं पाकिस्तान में या भी बाहर से पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि शादियां अभी तो घर पे ही हो रही हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं, तो जो लोग भावलपुर में रहते हैं, इसके इर्द गिर्द रहते हैं, क्या आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? आपको मेक ओवर करवाना हो, हेयर स्टाइलिंग करवानी हो, आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? आप घर पे देती हैं सर्विसेज? अच्छा फरा, अभी तक तो मैंने इसके बारे में कुछ स्टार्ट नहीं लिया क्योंकि अभी इसके बारे में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि आपको मैं बताती चलूं कि यहाँ पर मैं टेक्सटाइल डिजाइनर भी हूँ और फैशन डिजाइनर भी हूँ। तो टेक्सटाइल में मैंने काफी काम किया। हाँ, मैं आजकल ड्रेसेस के हवाले से काम कर रही हूँ, लेकिन जो आपने मुझे अभी पूछा है सवाल कि मैं सर्विसेज वगैरह या मेकअप से रिलेटेड काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका इरादा मेरा है, मैं इस बारे में सोच रही हूँ और मेरा प्लान भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ एक प्रॉपर जगह से फिर मैं स्टार्ट लूँ ताकि लोगों का अच्छा फीडबैक और रिस्पॉन्स भी आए।
क्योंकि एक जगह कहीं जाके सर्विसेज देना या घर पे सर्विसेज देना मुझे लगता है सिर्फ दो चार लोगों को पता चल सकता है, लेकिन अभी मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ अपने ड्रेसेस के हवाले से, और इंशाल्लाह आपका भी एक खूबसूरत ड्रेस आप तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी क्योंकि बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि माशाल्लाह से आप इतना अच्छा, खुद भी इतना अच्छा मेकओवर करती हैं, बाल बनाती हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि आपको अपने घर से स्टार्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्यों आना, क्यों नहीं स्टार्ट कर ले ताकि हम भी इससे थोड़ा सा फायदा उठा सकें। तो ये आप मेरी थोड़ी सी आप है ना एडवाइस है थोड़ी सी इसको कर लें। अच्छा अना, माशाल्लाह से आप इतना नाम आपका, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं आपके साथ होती हूँ, मैं किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करती कि लोग आपको साथ सेल्फी बनाते हैं, आपको खुद याद दिलवाते हैं कि देखिए हमने आपके साथ ये शूज किया था। हस्बैंड माशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा लविंग है, मैं खुद मिल चुकी हूँ। तो आप जब हस्बैंड के साथ जाती हैं और फैंस आपको मिल जाए, लड़के मिल जाए, क्या रिएक्शन होता है हस्बैंड की तरफ से और आपको कितना ज्यादा डर लगा? वही परा, वही जो होना चाहिए। हाँ, जब खवातीन मिलती है तो उस वक्त मतलब अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं तो, लेकिन जब लड़के मिलते हैं तो वो और ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्लोज हो जाते हैं, तो चाहते ही है कि हस्बैंड क्लोज हो जाए। जी जी। अच्छा अना, आपसे ये सवाल था कि आप सच टीवी पे आपने मॉर्निंग वो किया है, रमजान ट्रांसमिशन की है, उसमें बहुत टाइम देना पड़ता था, तो आपने फिर घर को और फिर रमजान ट्रांसमिशन को आप किस तरह से मैनेज करते, क्योंकि फिर इफ्तार सहर मैनेज किस तरह से करती थी आप घर पे? अच्छा, फिर होता इस तरह था कि उन आपको पता है कि जब ये ट्रांसमिशन होती है कराची से होती है, मैं कराची चली जाती हूँ अपनी मदर के पास, और वहाँ पर जाकर मेरी जो बेटी है वो मेरी मदर के पास ही होती है, वो उसे देखती है। सहरी ट्रांसमिशन जब मैं करती हूँ तो रात को 10 बजे वहाँ स्टूडियो में पहुँचना होता है, फिर उसके बाद मेकअप और ये सब कुछ स्टार्ट करते रहते हैं, 1 बजे ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है, और सुबह जब सहर का टाइम होता है उस वक्त वो ट्रांसमिशन खत्म होती है, घर आते आते सुबह 6 बज जाते हैं, 7 भी कभी बज जाते हैं, और आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में रहते हुए कितने सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अक्सर, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो लेट भी हो जाते थे। तो ये है कि माशाल्लाह अम्मी वहाँ पर मौजूद थी, तो बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चों की तरफ से कोई टेंशन नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा कि मैं पीछे किसके पास छोड़ के आई हूँ। और माशाल्लाह फिर हस्बैंड वहाँ पर जब मौजूद होते थे तो कभी यहाँ पे पाकिस्तान में होते हैं, कभी पाकिस्तान से बाहर होते हैं, तो वो भी इतनी टेंशन नहीं होती थी कि हस्बैंड घर पे मौजूद है तो सहरी तैयार करनी है या इफ्तारी तैयार करनी। बहुत ही मजा आ रहा है अना से बात करते हुए, और ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पास ही बैठी हुई है, लेकिन वो अपने घर पे है, मैं अपने घर पे हूँ। तो लेकिन देखिए ना, ये फायदा ये होता है कि जब आप एक अच्छी होस्ट की, यही तो बात होती है कि जब वो बात करना स्टार्ट करती है तो अगले की बोलती बंद करवा देती है, वो इतनी अच्छी बात। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, मेरी दोस्त वरा की बोलती हमेशा ऐसे चलती रहे माशाल्लाह से। लेकिन आप अच्छा बोलती कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खामोश हो जाऊँ। अच्छा, आज मैं बताती चलूँ अना, आपसे तो बहुत मजे मजे की बातें हो रही है, लेकिन आज के हमारे शो को स्पॉन्सर किया है मलका फूड्स ने, और मलका फूड्स का कहना है कि मलका फूड्स एक ग्लोबल फूड्स कंपनी है जो कि पाकिस्तान, दुनिया भर जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में अपने मुनफरद जायके के मसाले जात की वजह से बहुत मशहूर है, और मलका फूड्स की तरफ से आपके लिए एक बास्केट जो है वो आपको पहुंच जाएगी, जिसमें बहुत सारे मलका फूड्स के मसाले होंगे, फिर आप इसे एंजॉय कीजिएगा और घर में मजे मजे के जो है खाने बनाइएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। अच्छा अना, कहा जाता है कि जो मीडिया इंडस्ट्री से जो ताल्लुक रखती, कहा जाता है, लेकिन मुझे और आपको पता है ये गलत कहा जाता है, कहा जाता है जो काम करती है वो बिल्कुल घरेलू नहीं होती, घर के बिल्कुल काम नहीं करती, नखरे तो उनके उरूज पे होते हैं, तो आपके जो हस्बैंड को और आपके ससुराल वालों को आपको पाके जाहिर खुशी तो हुई होगी, लेकिन जो देखने वाले उनको आप क्या कहेंगी, कैसा लगा? तो फिर मैं इसके बारे में सिर्फ एक ही जुमला कहूंगी कि एक शो आप मेरे हस्बैंड के साथ भी कर लीजिए, जवाब ज्यादा बेहतर वहां से आ जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल एक गलत सोच है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और माशाल्लाह वो ये जरूर कहते हैं, अब ये जरूर था कि मुझे शादी से पहले कोई कुकिंग नहीं आती थी, कोई घर का काम मुझे नहीं आता था जब तक मैं मीडिया में रही हूँ, तो फरा ये सही बात है कि उस वक्त मैं कोई काम का जितना हरकत करती भी नहीं थी। हाँ, जब शादी हो गई थी तो उसके बाद माशाल्लाह मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि अभी मैं आपको बताऊँ कि ईद पे हमारे घर में माशाल्लाह बहुत रश था, और उस वक्त सब लोगों का हमारे घर में आना जाना था, तो किचन से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, तो वहां पर मैं अपने तौर पर हर कोशिश करती रही कि मेहमानों को अच्छी तरीके से खातिर तवाज़ा उनकी हो जाए। हस्बैंड इस बारे में ये कहते हैं
कि मैंने अब सही तरीके से एक घर को संभाल लिया है, तो इनके ये अल्फाज मेरे लिए बहुत मानी रखते हैं, बहुत खुशी होती है। और यही खुशी वो सारा कुछ जो मैं छोड़ कर आई हूँ या सब कुछ उसका एक बदला इस जुमले से पूरा हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और आपका जो आपकी जो खुशी का राज भी यही है, और घर को सेटल करना या फिर स्ट्रेस से फ्री होना, ये सारी चीजें ये राज है कि आप अपने आप को बिजी रखा है, खुश हैं आप, तो दूसरे लोग उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। आना बहुत अच्छी बात आपसे डिस्कस कर रही है कि आप भी अपने स्ट्रेस को खत्म कर दें। देखिए जो असल जो जिंदगी होती है ना, वह घर की होती है, घर, घर वाले, फैमिली, आपके इर्द गिर्द के लोग, वो आपके लिए खुशी है। बाहर के लोग सिर्फ आपसे काम से ताल्लुक है, जिस तरह से आप आपके जो घर के अफराद है, मर्द हजरात है, वो जॉब करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं वो उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, जॉब छोड़ी दूसरी जगह गए वहाँ फ्रेंडशिप हो गई। इसी तरह मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों का भी यही होता है। अच्छा अना, आप आर्ट वर्क भी करती हैं माशाल्लाह से, मैंने खुद देखा हुआ है, तो आप हमारे देखने वालों को, नाजरीन को बताएं कि आप कौन कौन सा आर्ट वर्क किया हुआ है। फरा, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ, उसमें सारा जो काम है वो फैब्रिक से रिलेटेड आ जाता है। उसमें पेंटिंग्स भी होती हैं, डाइंग भी होती हैं, बातिक होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, ये सारे कुछ कंबाइंड कोर्सेज होते हैं जो टेक्सटाइल में आ जाते हैं। लेकिन मेरा अपना शौक, आपने अभी बात की थी कि आप घर से खुश हैं, मैंने कहा मेरे हस्बैंड के साथ एक शो कर लीजिएगा, आप बता देंगे कि माशाल्लाह वो कितने खुश हैं। तो मैंने घर संभालने के साथ साथ ज़रूर, और घर संभालने के साथ साथ मेरा ये कि जो एक शौक होता है, जो मेरा अपने अंदर एक शौक है, वो पेंटिंग से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो मुझे कहीं ना कहीं से मेरी इन तमाम मसरूफियात में से टाइम निकालने पर मजबूर कर देती हैं कि मैं कुछ काम करूँ। तो इंशाल्लाह मैं अभी ज़रूर आपको कुछ काम भी दिखाऊंगी अपना, मैं वॉल पेंटिंग्स भी कर सकती हूँ, जैसे आपके पीछे एक खूबसूरत सा इस तरह, मेरे ख्याल ये तो कोई मिरर वर्क वगैरह लग रहा है, लेकिन इस तरह जी बहुत खूबसूरत इस तरह की मैंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी बनाई हैं, कुछ बेलें जो आजकल आप देख रहे हैं स्टेंसिल्स की सूरत में वॉल्स पर आती हैं वो भी मैंने बनाई, मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ पॉट्स हैं, कुछ टेबल्स मैंने बनाई हैं, और ये है कि कुछ मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो मैं फिर इंशाल्लाह वो टाइम निकाल के कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द पूरा कर दूँ। चलते हैं इसको देखते हैं आपने क्या क्या बनाया है। जी जरूर, बहुत ही जबरदस्त अना, बहुत ही खूबसूरत, आप में तो बड़ा टैलेंट है, ये छुपा हुआ टैलेंट मुझे किसी नहीं पता लगा। अच्छा आप इसको जो खरीदना चाहे तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपसे। जी बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा फेसबुक का पेज है वो मैं आपको बता दूं कि वो जहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं आप लोग, तो इंशाल्लाह कि मुझसे रابطہ कर सकते हैं। और जो अभी आपने पेंटिंग्स देखी है वॉल पेंटिंग्स, वो मैं वैसे तो अपने रिलेटिव्स वगैरह वहाँ पर उनके घरों में बना चुकी हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसे चाहे तो मैं वो काम भी कर सकती हूँ उनके घर में, ड्राइंग रूम वगैरह, सिटिंग लिविंग रूम में, ये इस तरह की पेंटिंग्स मैं बना सकती हूँ। अच्छा एक चीज बस, वो जब मोहब्बत और वो जो शौक है वो जब साथ हो जाए ना, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, तो यही चीज है। और अभी तो इतनी सारी चीजें मेरे पास मौजूद नहीं है, कराची में मेरी मदर के घर पर बहुत सारा काम मेरा वहां पर मौजूद है, लेकिन इंशाल्लाह ये कोशिश है कि मैं कोई ऐसा शो दोबारा कभी आपके साथ हो तो मेरे पास एक अच्छा खासा कलेक्शन मौजूद हो जो मैं आपको दिखा सकता। अच्छा अना तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा लकी है, माशाल्लाह से मोहब्बत भी ऐसी है जो मोहब्बत में आप खुश खुश हैं, सारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ना इतने खुश नसीब नहीं होते, तो उनकी जो मोहब्बत तो बड़ी उरूज पे होती है फिर बहुत ही खत्म हो जाती है, तो वो उनका तो बनता है स्ट्रेस में जाना। उनके लिए कुछ आप टिप देना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपने वक्त स्पेंड करें। जी फरा बिल्कुल सही कह रही है, मैं इतना सी बात कहूंगी कि ये खुश अल्लाह ताला ने सबका नसीब बहुत अच्छा बनाया है, हमारी दुआएं भी हमारे लिए बहुत काम करती हैं और दूसरों की दुआएं भी आपके नसीब के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो पहले कोशिश करना चाहिए कि आप खुद कितना ज़्यादा उस माहौल में ढल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब मैं बहावलपुर रह रही हूँ, मैं शादी के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं पहले कभी नहीं आई थी, यहाँ का माहौल और जो मेरा कराची का माहौल है वो बहुत डिफरेंट था, लेकिन यकीन करें कि अपने आप को खुद ढालना पड़ता है स्ट्रेस और ये डिप्रेशन। ये क्यों डिजाइनिंग करें यार, जो घर में खवातीन ऐसी मौजूद हैं वो अपने बच्चों के साथ उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में है उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ बाहर आउटडोर एक्टिविटीज ऐसे रख लें तो ऐसा ऐसा। और फिर दूसरी बात है कि हस्बैंड के साथ ना रिश्ता बनता नहीं, खुद बनाना भी पड़ता है एक औरत के लिए सबसे ज्यादा, उसको उसको जो है ना उस रिलेशन को लेने के लिए बहुत सफर करना पड़ता है, लेकिन आखिर में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। थोड़े शुरू शुरू में मेरा भी जो दिमाग है ना थोड़ा सा ऊपर ही रहता था, लेकिन ये कि अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। आप जिस माहौल में जा रहे हैं वो इतने सारे लोग वो आपकी तरह नहीं होंगे, आपको उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, और ये होता है कि फिर बाकी उन लोगों को जब आपके साथ देख रहे हैं फिर उनको मोहब्बत देनी चाहिए। अगर वो फिर मोहब्बत नहीं दे रहे
तो फिर आप उसमें अपनी जिंदगी के साथ खुश रहना सीखें, अपने आप को खुश रखना सीखें। मेरा तो यही टिप है उन तमाम खवातीन के लिए, पर तो मेरा सिर्फ ये मीडिया से रिलेटेड खवातीन के लिए टिप नहीं है बल्कि ये सब के लिए कि आपको अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको वहां से बदले में मोहब्बत नहीं मिल रही है, वहां पर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो फिर आप अपनी जिंदगी के बारे में खुद पॉजिटिव हो जाएं, अपनी लाइफ के बारे में सोचें। अल्लाह ताला ने हमें एक जिंदगी दी है और हम बार बार तो इस दुनिया में नहीं आते, उस एक जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है तो सब आपसे मोहब्बत करेंगे। ये बहुत प्यारी बात, क्योंकि जितनी अना खुद खूबसूरत है, जितनी प्यारी है, उनका दिल भी बहुत अच्छा है और बातें भी बहुत अच्छी करती है ना। अच्छा ना, आपसे एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी होता है, माशाल्लाह आपने इतना टाइम तक होस्टिंग की, फिर अभी तक आप 2-3 महीने पहले तक भी आपने शोज किए हैं, जब कराची आती है किसी ना किसी चैनल पे आप नजर आ रही होती है या फिर हम किसी इवेंट्स पे जा रहे होते हैं, हम इन्वाइट करते हैं लोग, तो हमारी मेरी और आपकी डेली की रूटीन आपकी है माशाल्लाह, क्या मेकअप करना, शोज में जाने के हवाले से बात कर रही हूँ, तैयार होना, तो घर पे भी ऐसा ही होता है सुबह सुबह उठ के तैयार होना और बाल बनाना, या फिर ऐसे ही होता है कि नहीं भाई रफ एंड टफ भाई जो भी हो लिया है ठीक है? हाँ फर्क ये जरूर होता है कि सुबह उठकर जो है वो कॉम कर लिया और उसके बाद ड्रेसअप हो गए, लेकिन मेकअप वगैरह तो हाँ सुबह सुबह बिल्कुल नहीं होता। सुबह उठ के जहन पे यही टेंशन होती है कि आज क्या पकेगा, आज क्या खाएंगे, दिन भर में कौन से काम ऐसे पेंडिंग काम जो आज के लिए छोड़े हुए हैं वो किस तरह से लाइनअप करने हैं, बच्चों को देखना है, तो इसमें गुजर जाता है। हाँ शाम को जो है वो जरूर मेकअप वगैरह थोड़ा सा करके बाहर चले गए, आउटिंग पर चले गए और फिर शाम को आगे, फिर उसके बाद डिनर हो गया। रात को ये है कि बच्चे जल्दी सो जाते हैं, हस्बैंड और मैं थोड़ी देर तक मतलब जागते हैं, टीवी देख लिया, कोई मूवी देख ली, तो इस तरह से टाइम गुजर जाता है। बट मेरा ख्याल है वो जो सुबह सुबह उठ के जो शोज के लिए भागते थे कि पूरी आंखें नहीं खुली होती थी और मुंह पे इतना मेकअप आपने करके बैठ जाना, लेकिन ये भी एक बड़ी टफ जॉब थी कि आप घर से कैसे भी आ रहे हैं, आप सोते हुए हैं, आप टायर्ड हैं, आप थके हुए, आप जो भी कुछ है आपका मूड अच्छा नहीं है, लेकिन हम स्क्रीन पे हमेशा हमने कभी फील नहीं होने दिया ना आप ऐसे, और बाकी जो एंकर्स हैं उनका भी यही मैं कहूंगी कि ये टफ जॉब है कि कभी भी स्क्रीन पे फील नहीं होने देते थे कि उनके अंदर क्या चल रहा है। इस बात को आप भी एग्री करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगी आपसे। अच्छा आप जो है ये बताइए कि आपकी जो आदत जो हस्बैंड को बिल्कुल पसंद ना हो और आप उसको छोड़ने पे मजबूर हो चुकी है। अच्छा करीब ही बैठे हैं क्या, आहिस्ता से पूछो क्योंकि हस्बैंड को मेरी कौन सी आदत नहीं पसंद। हाँ मैं जिद करने लगती हूँ किसी चीज के लिए, किसी एक चीज पर मैं बार बार उस रिपीट करती हूँ तो ये कहते हैं यार उस चीज के लिए बिल्कुल मत बहस करो, लेकिन मेरी वो आदत बन चुकी है कि कब कब कैसे कब होगा फला ये चीजें। तो बाकी हस्बैंड को मेरी ऐसी कोई माशाल्लाह आदत बुरी नहीं लगती है और वो तमाम आदत है, बस ये थोड़ा सा ये होता है कि मैं थोड़ी सी जिद्दी हो जाती हूँ, बस एक ये मेरा ख्याल है। अब आप उनसे ना पूछ लीजिएगा कभी तो मेरे ख्याल कोई फेरिस ना खुल जाए। वैसे वैसे हस्बैंड से वाइफ जो है हस्बैंड से जिद करेगी और किससे जिद करेगी, तो ये तो मैं कोई बिल्कुल मैं तो नहीं मानती भाई, वो तो और ये मेरा हक है ना, बिल्कुल हाजिर करना मेरा हक है। मैं ना आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, थैंक यू फ्रेंड, करती रहती हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैं भी करती रहती हूँ। बिल्कुल और ये होना चाहिए और ये मोहब्बत और एक मान है, अगर आप किसी के ऊपर आपको मान होगा ही तो आप उसे जिद या बहस करेंगे, मैं ये समझती हूँ बहस करेंगे। हाँ ये तो है। और आपको हस्बैंड की कौन सी बात बहुत बुरी लगे, वैसे बहुत सारी लंबी लिस्ट होगी एक बता दें। अच्छा मुझे अगर हस्बैंड की कौन सी बात ना पसंद है तो एक शो और कर ले मैंने यही तो कहा। ये मैं आपको बताऊं कि मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह हस्बैंड जो है वो मैं आपको बताऊं कि बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है और हमेशा ये होता है कि मैं कभी नाराज, मैं कहती कोई हस्बैंड वाइफ ऐसे नहीं होती जिनके दरमियान छोटा मोटा झगड़ा या कुछ रूठने और मनाने का सीन ना हो, तो ये है कि रूठती मैं हूँ, गलती मेरी हो या कुछ भी हो मनाते मेरे हस्बैंड है। माशाल्लाह मुझे अपने हस्बैंड की आदत बहुत पसंद है और मैं एक मिनट में मान भी जाती हूँ चाहे कितनी बड़ी बात क्यों ना। और दूसरी बात थी कि माशाल्लाह इनके अंदर सारी आदतें बहुत अच्छी हैं, मेरे घर वालों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और अक्सर तो ये होता है कि मेरे इन-लॉज में भी कभी कभार ये कह दिया जाता है कि हमारी शादी को माशाल्लाह से अब 8 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और इस 8 साल में अभी भी अक्सर मुझे जुमला सुनने को मिलता है कि ये साध और अना लगते हैं कि कोई ना न्यू कपल है, नहीं, तो नहीं, कभी कभार मुझे ये सुन जी नहीं नहीं शादी है ये मैंने भी 2 दिन पहले ही सुना है।
तो मुझे बड़ी खुशी होती है और अच्छा लगता है कि अगर ऐसा है और हस्बैंड वाकई बहुत अच्छे, बहुत लविंग है ये एक मतलब आप तरह मिल चुकी हैं माशाल्लाह। मैं बिल्कुल मिल चुकी हूं। आदत भी बहुत अच्छे हैं, आदत के भी बहुत अच्छे हैं। और अब एक चीज होती है कि चलो सिर्फ एक शख्स से प्यार करना, वो अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हैं और बेटी बच्चों के लिए तो वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपने बच्चों के। जरा सी कोई चीज होती है मैं इतनी परेशान नहीं होती जितना वो परेशान हो जाते हैं। माशाल्लाह अना से बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और अना जो एक बहुत अच्छी होस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत टाइम तक इन्होंने होस्टिंग की है, अभी भी करती रहती हैं जब इनको मौका मिले। लेकिन जब घर से इनको मौका मिले, घर को ये काम के लिए नहीं छोड़ती, जब घर से ये छुट्टियों पे आती हैं तब ये काम करती हैं। अना की ये खास बात है कि जब हाँ ये बहुत अच्छी मुझे बात लगती है कि ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया, काम के लिए घर छोड़ दिया ऐसा मैंने अना को कभी नहीं देखा। तो यही आज का हमारा प्रोग्राम था कि उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी अना और उनके लिए एक गाइडलाइन थी अना कि जो आप स्ट्रेस में आ जाते स्ट्रेस में ना आए, अना की तरह आप खुश रहें, मोहब्बत करते रहें, क्योंकि आपके घर से ही आपकी सारी दुनिया जो बसी है वो घर से ही है। घर को खुश करके दूसरों की बाहर खुशी ढूंढना ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है, ये एक बेवकूफ़ी है जो कि अना ने आपको बताया कि घर सबसे पहले। अना मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके माशाल्लाह से, और आपका आपकी जो बात का जो सारा सर्कल था वो आपके हस्बैंड के इर्द गिर्द, बच्चों के इर्द गिर्द, घर के इर्द गिर्द, तो ये मुझे चीज काश ये बात वो भी काश ये बात वो भी सुनते लेकिन आपकी जो बातचीत थी माशाल्लाह आपके हस्बैंड के इर्द गिर्द, और अभी तो आप ये प्रोग्राम हमारे साथ लाइव करिए, आपके हस्बैंड गए हुए हैं, जब वो आएंगे तो उनको आप रिपीट दिखा दीजिएगा यूट्यूब पे, दिखा दीजिएगा, कहिएगा देखें किस तरह से हमने आपकी तारीफ की हुई है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो मुल्क भर में हैं, जो पाकिस्तान में हैं, वो भी ये प्रोग्राम देख के बहुत इंजॉय कर रहे होंगे कि एक बहुत ही फेमस होस्ट जो आज भी काम कर रही है लेकिन अपना काम जो है वो घर की वजह से अपने काम को नहीं वो सबसे पहले करती, पहले घर फिर काम, ये इनकी कामयाब जिंदगी का राज है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही था। अना लास्ट में दोबारा से हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप कुछ दो वर्ड बोल दें जो स्ट्रेस में चले जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि हम पहले पीक पे थे और हम स्टार थे, चमकते दमकते सितारे थे और आज हम घर में बैठ गए हैं। कोई ऐसी छोटी सी बात कि उनको समझ में आए कि नहीं ये जिंदगी असल वो वाली जिंदगी नहीं है जो आप दूसरों को दिखाते थे। फरा मैं ये कहूँगी कि देखिए मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था, मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि चलो मैं घर को टाइम देना चाहती हूँ, लेकिन कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जिनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि अब आप इस लाइन को छोड़ दें, आप घर की तरफ आ जाएं, सब कुछ है तो ज्यादती है। लेकिन अगर ऐसा है उनके घर की तरफ से तो उनको शुरू में तो ये फेस होगा उनके लिए कि वो स्ट्रेस डिप्रेशन में आएंगी, लेकिन उससे उनको निकल जाना चाहिए, वो उसके लिए खुद कोशिश करेंगी, कोई भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने शुरू में कहा अपने आप को किसी और क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व कर लें। आप अगर स्क्रीन पर आ रही हैं कुछ, आप यूट्यूब चैनल अब आप देखिए कि हमारी जो टीम है ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, इन्होंने भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आज हम खुद बैठकर मैं सामने बात कर रही हूँ और मैंने बहुत सारे ऐसे मीडिया फ्रेंड्स को नहीं पता कि मैं आर्ट से रिलेटेड भी काम कर रही हूँ, लेकिन इसके जरिए मैं बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बता सकती हूँ। वो इस पर आए, वो लाइव जाएं, वो फेसबुक पे लाइव जाएं, वो अपने बारे में बताती रहें, वो कुछ कुकिंग करें, वो कुछ ऐसा काम करें कि वो अपनी वीडियोस डालें, तो जब आपका सर्कल होगा, मेरी इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत फ्रेंड जो मुझे मीडिया के जरिए मिली है, वो देखे ना आज मेरे साथ है और उनको कहीं स्ट्रेस लेवल उसने भी आने नहीं दिया मुझे कभी, वो हमेशा शुरू से लेकर मेरे साथ है और हमेशा हमेशा मैं कहूंगी कि वो मेरे साथ ही रहे। तो ऐसे फ्रेंड्स जो हैं वो अल्लाह ताला की एक नेमत होते हैं आपके लिए, नेमत होता है। तो यकीन मानिए कि अगर अच्छे लोग हैं ना, आप मीडिया में हैं या किसी भी फील्ड में, अगर अच्छे लोग आपको मिल गए ना तो वो सारी जिंदगी उस फील्ड को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेंगे। और मैंने ये कमाया है, मैंने आप जैसे लोगों को कमाया है, मैंने आप लोगों के, अब मैं उस चीज को छोड़ के भी आज मुझे लग रहा है अच्छा मुझे वापस जल्दी से मेकअप करके मेरा टाइम हो रहा है, मुझे शो में जाना है, मुझे पहला चीज है, तो वो वाली एक फीलिंग आ गई है क्या जिस तरह से हो रहा है। तो ये हम खुद कर सकते हैं, हम चाहें अगर खुद से मोहब्बत करें तो सब मोहब्बत कर सकते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन मेरा ख्याल है एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर खुद खत्म नहीं कर सके तो कोई भी नहीं कर सकेगा। बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत बात कि डिप्रेशन जो है वाहिद ऐसा एक मर्ज है जिसे आप खुद खत्म कर सकते हैं, खुश रह के अपने इर्द गिर्द खुशियों को आप तलाश करें। अच्छा, पर मैं एक बात यहाँ पे कहूंगी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ये कहूंगी
कि मैंने एक चीज पढ़ी थी कि एक शख्स अगर 10 नालायक लोगों में रह रहा है, उसने 1 या 2 महीने भी गुजार लिए ना, तो वो खुद भी नालायक हो जाएगा। वो चाहे जितना ही लाइक हो, जितना ही टैलेंटेड बंदा हो, उसको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो ना, तो वो ऐसे ही हो जाएगा, वो उनकी तरह की लाइफ गुजारने लगेगा। लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं जिसको मोटिवेट करते हैं किसी चीज के लिए, मेरे हस्बैंड यहाँ पे मौजूद हैं, आप जैसी फ्रेंड ऐसे बहुत सारे, मेरी मदर फादर, मेरे इन-लॉज में ऐसे लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कोई डर नहीं बैठा हुआ, कुछ ना कुछ है उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, तो आपको हौसला मिलता है कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ करूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे ना बैठूँ। अगर मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोगों का रश हो के जो कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं भी बिल्कुल वैसे ही हो जाऊंगी, मैं उनकी जैसे होगी। तो 10 नालायक लोगों में बैठने से अच्छा है कि आपके गिर्द ऐसे लोग हों कि लाइक लोगों से दोस्तियां रखें, अच्छे लोगों से मेल मिलाप रखें, तो आपकी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बहुत जबरदस्त बात, जिस तरह से अना इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, इतनी प्यारी बातें, इतना प्यारा दिल, और इतने अपने घर के, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, अपने घर, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, उनसे वही सारी बातें थी, और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कामयाब ज़िंदगी के लिए, क्योंकि असल ज़िंदगी है मेरी नज़र में, क्योंकि हर एक का नज़रिया अलग होता है। अना, मेरी ज़िंदगी में आपके घर से, घर के लोगों से ही आपकी ज़िंदगी बनती है, आपका दुख, आपका सुख, आपकी अपनी फैमिली होती है। दोस्त ज़िंदगी में आते हैं, चले जाते हैं, अच्छे दोस्त अल्लाह ताला की एक नेमत है, और बुरे लोगों से, बुरे दोस्तों से अल्लाह ताला हमें बचाए। लेकिन सब बातों का एक ही हल है कि अपने घर में प्यार करें, लोगों से प्यार करें, आपके हस्बैंड से प्यार करें, आप जितनी भी बड़ी सुपरस्टार हैं, आखिर में आपकी फैमिली ही आपका साथ देती है, जितने भी लोग होते हैं वो वक्त ही होते हैं। अना, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आपसे मैं फिर चाहूंगी कि आपका वक्त लूं और दोबारा से कुछ नए टॉपिक में आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, आर्ट एंड क्राफ्ट पे बात करें, हम बहुत सारे न्यू टॉपिक पे बात करें, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम, आज की गेस्ट आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते कमिंग फ्राइडे हम आपसे मुलाकात करेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं, क्या है ख्याल, मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। अल्लाह अल्लाह।